साथियों, आज कांग्रेस के समर्थन से राजस्थान में समाज विरोधी ताकतों के हौसले बुलंदी पर है। राजस्थान में इंसान का सरेआम गला काटा जा रहा है, जश्न मनाया जा रहा है। झालावाड़ में दलित युवकों के साथ क्या हुआ, ये भी पूरे देश ने देखा है। तीज त्योहार के लिए मशहूर राजस्थान में रामनवमी, होली, हनुमान जयंती जैसे त्योहार दंगों की भेंट चढ़ गए। कांग्रेस सरकार में छबड़ा और गंगधार में क्या हुआ था, ये क्या कोई भूल सकता है क्या? आप मुझे बताइए, ये दंगाइयों पर कड़ा एक्शन होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? वो जेल में होने चाहिए थे कि नहीं होने चाहिए थे? उन पे सजा होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी? लेकिन यहां छबड़ा दंगों का आरोपी मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर रेड कार्पेट पे चलता है, रेड कार्पेट पे। साथियों, दंगाइयों के साथ साथ कांग्रेस के मंत्री बहनों बेटियों पर अत्याचार करने वालों के साथ भी मजबूती से खड़े रहते हैं। बीते 5 वर्षों में राजस्थान में रेप के मामलों में, बलात्कार के मामलों में गंभीर वृद्धि हुई। यहां मुख्यमंत्री के करीबी मंत्री विधानसभा में खड़े होकर ऐसे अपराधियों को संरक्षण देते हैं। जब हमारी राजस्थान की बेटियां सुरक्षा के लिए सरकार को पुकार रही थी तो सरकार कह रही थी कि फर्जी आरोप मत लगाओ। ये कांग्रेस वालों को राजस्थान की बेटियों के आंसू देखने की भी फुर्सत नहीं है। आप मुझे बताइए मेरे राजस्थान के भाई बहनों, क्या हमारे देश में ऐसे संस्कार है? क्या राजस्थान में ऐसे संस्कार है क्या कि कोई बहन बेटी फर्जी मामले दर्ज कराए? ये बहन बेटियों का अपमान है कि नहीं है? हमारे संस्कार का अपमान है कि नहीं है? हमारे माताओं के सम्मान पर चोट है कि नहीं है? ये कैसी भाषा बोल रहे हो रे? जो कांग्रेस सरकार जान माल और सम्मान की सुरक्षा तक नहीं कर सकती, उस सरकार को रहने का हक है क्या? एक पल भी रहने का हक है क्या? ऐसी सरकार जाने चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? देखिए, अभी अभी दिवाली गई है, हमारी माताएं बहनें 15-15, 16-16 घंटे घर में काम करती है, हर दिन घर को साफ सुथरा रखती है। लेकिन जब दिवाली आती है ना, तो कोने कोने में सफाई करती है, बारीक बारीक सफाई करती है। खिड़की का कोना होगा ना, तो उसको भी सफाई करेगी, टीवी के पीछे भी सफाई कर देगी।
इतनी बारीकी से सफाई करती है तब जाकर के दिवाली मनाती है। ये चुनाव भी दिवाली है, हम सबको मिलके सफाई करनी है। करोगे? इस बार ऐसी सफाई करो, ऐसी सफाई करो, किसी कोने में भी कांग्रेस बचनी नहीं चाहिए। करोगे सफाई? पक्का करोगे? ये माताओं बहनों से सीखोगे कुछ, तब जाकर के दिवाली मनेगी। साथियों, महिला सुरक्षा और महिला कल्याण भाजपा सरकार की प्राथमिकता है। अपनी बहनों को धुएं से मुक्ति मिले, इसके लिए आपके इस भाई ने मुफ्त गैस कनेक्शन दिए हैं। इस रक्षाबंधन पर भी हमने उज्ज्वला के गैस सिलेंडर के दाम में बड़ी राहत दी थी। अब राजस्थान भाजपा ने गैस के सिलेंडर को और भी सस्ते देने का ऐलान किया है। और मैं भाजपा पूरे प्रदेश के नेताओं का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने ऐसा बढ़िया संकल्प पत्र दिया है, ऐसा बढ़िया मैनिफेस्टो दिया है। और यही तो डबल इंजन सरकार का डबल वायदा है। कांग्रेस गैस सिलेंडर लेकर को जो झूठ राजस्थान की बहनों बेटियों से बोल रही है, उससे आपको ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। कांग्रेस का झूठ का सिलेंडर और भी महंगा है। राजस्थान की कांग्रेस की लुटेरी सरकार जनता से किस तरह खिलवाड़ करती है, ये भी राजस्थान के लोग भली भांति जानते हैं। कांग्रेस ने यहां बिजली के बिल कम करने की बात कही थी कि नहीं कही थी? बिजली बिल कम करने के लिए कहा था, लेकिन अब राजस्थान के हजारों भाई बहनों को गहलोत सरकार बिजली के बिल की रिकवरी के नोटिस भेज रही है। और यही कांग्रेस का दोगलापन है, यही कांग्रेस का फरेब है, यही कांग्रेस का जीत का झूठ का गुब्बारा है।